इंदौर में एडवाइजरी फॉर्म की आड़ में चार ठग कंपनियां संचालित करने वाले एक गिरोह का तिलक नगर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मौके से पुलिस ने तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आरोपियों से 20 करोड़ के लेनदेन का रिकॉर्ड पुलिस के हाथ लगा है। बता दें कि इंदौर के तिलक नगर इलाके में कैपिटल प्राइड के नाम से एक एडवाइजरी कंपनी संचालित की जा रही थी, जिसकी आड़ में पकड़े गए आरोपी चार अन्य कंपनियां संचालित कर रहे थे। साथ ही आरोपी विदेशी में यह कई लोगों को ठगी का शिकार बना चुके हैं। प्राथमिक पूछताछ में पुलिस को 20 करोड़ की ट्रांजैक्शन की जानकारी हाथ लगी है। वही आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनसे पूछताछ की जा रही है और एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी के मुताबिक आरोपी कैपिटल प्राइड एडवाइजरी संस्था की आड़ में कई और कंपनियां संचालित कर रहे थे, जिसमें कई कर्मचारी का उपयोग किया जा रहा है। वही आरोपियों ने शेयर बाजार में निवेश कराने के नाम से देश की ही नहीं विदेशों में भी ठगी करने का मौका नहीं छोड़ा है। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को जानकारी चौंकाने वाली मिली है। एक मामला दर्ज हुआ है कल थाना तिलक नगर में, एक एडवाइजरी फर्म की सूचना प्राप्त हुई थी कि कैपिटल प्राइड के नाम से कंपनी चल रही है, जो अलग अलग कंपनियों को उसकी आड़ में चला रहे हैं लोग, और देश और विदेश के दोनों जगह के लोगों को ठग रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस वहां पर गई थी और पुलिस ने जब देखा तो एक ऑफिस संचालित हो रहा था जिसमें कई लोग काम कर रहे थे, और जब जाकर देखा तो कैपिटल प्राइड की आड़ में तीन और चार कई अन्य कंपनियां भी इसमें काम कर रही हैं, और ये लोगों को शेयर मार्केट में पैसा निवेश कराने के नाम पर पैसा लगवाते और ठग रहे। इसमें विदेशी लोगों को भी इन लोगों ने अलग अलग जगह पैसा लगाने के नाम पर पैसा की अफरा तफरी की है, ये भी कुछ साक्ष्य में प्राप्त है। सर, क्या बाहर की भी शिकायत है इसकी कहीं से, और ठगा गए हैं जो ठगे गए हैं विदेश से कहाँ कहाँ? अभी पुलिस इस बात की जांच कर रही है। ये लोग शातिर तरीके से अपराध करते हैं। जो इसमें मूल आरोपी है अजय नाम का है, जो बिहार का रहने वाला है, और एक और इसका साथी गौतम, वो भी बिहार का रहने वाला है। तो ये बड़े शातिर तरीके से लोगों को ठगते हैं, बहुत छोटा सा अमाउंट निवेश कराते हैं, और छोटे अमाउंट पर यदि किसी को नुकसान होता है तो जनरली लोग रिपोर्ट करने सामने आते नहीं हैं। तो इसी मोडस ऑपरेंडी के तहत लोग काम कर रहे हैं। हम लोग अभी इसमें विवेचना कर रहे हैं, और जो अभी अकाउंट्स वगैरह देखे हैं उसमें लगभग 20 करोड़ के आसपास का ट्रांजेक्शन पाया गया है, जो विदेशी निवेशकों से उन्होंने लिया। कितने आरोपी गिरफ्तार हो गए? इसमें तीनों आरोपी को पुलिस ने, जो मुख्य आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया। आगे भी और गिरफ्तारी होने की संभावना? अभी पुलिस इस बात की विवेचना कर रही है कि और कहाँ कहाँ इन लोगों ने ऑफिस खोले हुए हैं और कितने लोगों को इन्होंने फेरा। गौरतलब है कि आरोपी शेयर बाजार में निवेश करवाने के नाम से बहुत छोटी रकम की धोखाधड़ी करते थे, जिसके कारण पीड़ित शिकायत करने से बचता है। फिलहाल मौके से तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अजय और अमित दोनों ही बिहार के रहने वाले हैं। आरोपी इंदौर में रहकर ठग कंपनी संचालित कर रहे थे। हालांकि पुलिस को आरोपियों से कई जानकारियां मिलने की संभावना है।